इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप, आप देख सकते हैं मित्सुबिशी का पीसीबी है। मित्सुबिशी इसमें ऑन नहीं हो रहा पूरा, बिल्कुल ही डेड है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो पीसीबी ही केवल आया, इसका फैन मोटर और एक कॉइल सेंसर भी उसी में है। पावर ऑन भी नहीं हो रहा है, तो इसमें हम पावर दे करके एक बार देख लेते हैं पहले कि प्रॉब्लम इसमें क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ से इसको पावर देना रहता है, तो पावर देने के लिए हम पहले लाइन देते हैं। देख सकते हैं हम कनेक्शन कर दिए हैं लाइन न्यूट्रल का। अब इसमें हम सीरीज में पावर देते हैं और आ गया यहाँ पर लाइन दे दिया, फिर भी यहाँ पर कुछ लाइट वगैरह नहीं जल रहा। अभी हम पीसीबी को निकाल लेते हैं बाहर। इसको भी खोल करके निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्क्रू लगा होगा, पूरा हटाने के बाद खुलेगा। आपको दिखा दें कि यहाँ पूरा जला हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या क्या खराब हुआ है देखते हैं। पहले तो ये वाला फट गया है और फ्यूज भी उड़ गया है, ये वाला भी फ्यूजे है। तो बाकी सब को हम पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या ख़राब है। इसको फ्रेश पहले साफ़ कर लेंगे थिनर से। कभी भी पीसीबी में ऐसा जला है तो पहले साफ़ कर लेना चाहिए कि पता चले क्या क्या जला है। और ये वाला पीसीबी में आपका ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं क्लियर। देख सकते हैं अभी हम इसको साफ कर दिए हैं। साफ करने के बाद अब ये वाला सेफ्टी कंडेंसर है, कंफ्यूज है, दोनों को पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं पावर देकर के। देख सकते हैं फ्यूज है, सेफ्टी कंडेंसर है, इसमें वापस में कंटिन्यूटी नहीं बतलाना चाहिए। तो अभी हमें दोनों को निकाल करके यहाँ पर चेंज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देख सकते हैं दोनों पुराना निकाल दिए हैं और यहाँ पर नया वाला लगा दिए हैं। फ्यूज भी 10 एम्पियर का फ्यूज है और सेफ्टी कंडेंसर है। अब इसको फिर से एक बार साफ़ कर लेते हैं, फिर से इसको हम अच्छे से वॉश कर दिए। देख सकते हैं अभी इसको हम थोड़ा सा साफ़ किए हैं, सूख जाने देते हैं या तो ब्लोअर से आप सुखा सकते हैं। उसके बाद इसमें पावर देकर के फिर देखेंगे। इसका डिस्प्ले है जिसमें दोनों लाइट जलेगा और यहाँ से ऑन ऑफ का है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला सब वीडियो मिल सके। मित्सुबिशी का पीसीबी है, देख सकते हैं। अब इसमें हम पावर दे कर के देखते हैं, तार का कनेक्शन ऐसे किया हुआ देख सकते हैं। अब इसमें पावर देते हैं, देखते हैं पावर आता है या नहीं आता है। सीरीज में पहले कनेक्शन देंगे, अगर शॉर्ट भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। देख सकते हैं लाइट जल कर बंद हुआ था, एक बार देखिए लाइट जल कर बंद हो गया, यानी कनेक्शन ठीक है। यहाँ पर लाइट भी जल गया, यहाँ ऑफ भी हो जा रहा,
देख सकते हैं। पूरा कनेक्शन इसका सही हो गया। एक बार इसका रिमोट से देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। मित्सुबिशी के रिमोट से देख सकते हैं ऑफ हुआ, ऑन हुआ। ठीक है फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम अनूप हुआ और आने वाला वीडियो और भी हम जो भी मिलेगा आप देखते रहिएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को मेरा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट करिएगा।